अब आइए लखीमपुर खीरी का मिजाज पता कर लेते हैं, वहाँ पर मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं। मनीष बताइए, अजय मिश्र टेनी जो बड़ी चर्चा में रहते हैं, उनके बेटे बड़ी चर्चा में रहते हैं, विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, यहाँ पर मतदान किन मुद्दों पर हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल प्राची, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ तिकुनिया के पास, जहाँ पर पूरे देश में सुर्खियाँ बटोरी थी यहाँ की घटना ने, और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं वोट डालने के लिए। लोग क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिलसार हुसैन। क्या करते हैं आप, ट्रैक्टर का काम? क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हावी हैं, क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं? वोट का क्या बता पाएंगे, नहीं बताना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए नाम क्या है, किस मुद्दे पे? नदीम अंसारी। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं ये तो बताइए, विकास वगैरह कुछ मुद्दा? विकास का मुद्दा है। किसने किया है विकास? यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ अभी तक, अभी तक। उम्मीद है आगे होगा, कौन करेगा? बदलाव होगा तभी विकास होगा, बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद अंसारी। खालिद जी, क्या लग रहा है आपको, किसने बेहतर काम किया है और किससे उम्मीदें हैं? उम्मीदें क्या बताएं, जो इस समय जो काम ही नहीं हुआ है, क्या काम नहीं हुआ, किस चीज की कमी है? कमी क्या, आप जो सामने है आपके जो कुछ है, कुछ नहीं किया है। आपका क्या नाम है? मारूफ। मारूफ, मारूफ कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कौन बेहतर नेता है देश में? अब बेहतर नेता क्या, आप सीट चेंज होगी तभी समझ में आएगा, बदलाव चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वोटर्स यहाँ पर मैदान में मौजूद हैं वो तो बदलाव की बात कर रहे हैं, तमाम लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए, क्या नाम है भाई साहब आपका? हरीश चंद्र। हरीश जी, लोग कह रहे हैं यहाँ पर बहुत बदलाव की ज़रूरत है, आपका क्या मानना, कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं? जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है, जो है सब ठीक है। क्या नाम भैया? अमान। अमान भाई, आप बताइए किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वही सबसे मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है, और कौन अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, और कौन सा? एक आ रहा हूँ जी। तो आपने सुना मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट, आपने देखी और लोगों की बात भी आपने सुनी। अब देखिए, आपको लेकर चलूंगी मैं लखनऊ से सटी हुई उन्नाव सीट पर, जहां साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और 370 का जिक्र उनकी तरफ से भी किया जाता है, और 370 का जो जिक्र है वो यहां बनारस में भी हो रहा है। बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, 370 हटी, शांति, सुरक्षा, विकास, मोदी की गारंटी, ऐसे पोस्टर्स बनारस में पटे पड़े हैं।